हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 27 मई और 27 मई का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021 कौन जीता है? वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर इन 7 स्टेट। स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है वो कितने खेलो इंडिया का सेंटर खुला है 7 स्टेट में? ये है 143 सेंटर। एंड कहाँ क्या क्या ये 7 स्टेट कहाँ कहाँ हैं? एक है तो मध्य प्रदेश, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, नेक्स्ट मिजोरम, नेक्स्ट गोवा, कर्नाटक एंड मणिपुर। इस स्टेट 7 स्टेट में 143 खेलो इंडिया का सेंटर खुला है। नेक्स्ट, हु बैग्स फर्स्ट इंडियन टू विन रूटलोप स्किलिंडर अवार्ड। जो रूटलोप स्किलिंडर अवार्ड है वो कौन है जो फर्स्ट इंडियन ने जीता है? तो वो है नागेश्वर रेड्डी। नागेश्वर रेड्डी है इसका आंसर। एंड नागेश्वर रेड्डी क्या कौन है? ये चेयरमैन है ए आई जी जो हॉस्पिटल है इसका चेयरमैन है नागेश्वर रेड्डी जी। एंड इसने पद्मश्री अवार्ड जीता था 2002 में पद्मश्री अवार्ड जीता था। एंड पद्म भूषण अवार्ड 2016 में भी ये जीता है। नेक्स्ट फोन नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली ओन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर प्राइज़ 2021 का जो इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर प्राइज है वो कौन जीता है? वो जीता है वैलेरिया लुसेली ने। वो कौन जीता है? वैलेरिया लुसेली ने। एंड ये है वर्ल्ड का जो वेल्डेस्ट अवार्ड है वो है, उनमें से एक है डबलिन लिटरेचर प्राइज अवार्ड। एंड ये लिटरेचर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड थायरॉयड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड थायरॉयड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली कौन अपॉइंटेड हुआ है? तो ये है एस एन श्रीवास्तव जी पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली में अपॉइंटेड हुआ है। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रशांत कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो प्रशांत कुमार मिश्रा जो चीफ जस्टिस है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपॉइंटेड हुआ है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इज़राइल्स नेक्स्ट मोसाद चीफ। ने इज़राइल का जो नेक्स्ट मोसाद चीफ है वो कौन अपॉइंटेड हुआ है? मोसाद मीन्स जो इज़राइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी होता है उसे ही मोसाद चीफ कहते हैं। तो वो अपॉइंटेड हुआ है डेविड बर्नेस। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मलेशिया में। हेडक्वार्टर जो है वो है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेट हाई लेवल पैनल डिस्कशन ऑन कंटिन्यूटी ऑन हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। जो हाई लेवल पैनल डिस्कशन है जो कोविड-19 क्राइसिस के बारे में, उनमें कौन पार्टिसिपेट किया था? तो उसका जो आंसर है ये है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया था हाई लेवल डिस्कशन ऑन कंटिन्यूटी ऑफ हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ BWF काउंसिल। BWF काउंसिल का मेंबर कौन चुना गया है? तो उसका जो आंसर है ये है हिमंत बिस्व शर्मा। हिमंत बिस्व शर्मा ने BWF काउंसिल में इलेक्टेड हुआ है। एंड ये जो BWF है इसका फुल फॉर्म क्या है? BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसका जो मेंबर चुना गया है वो है हिमंत बिस्व शर्मा। तो ये रहा आज का टॉप 10 करेंट अफेयर्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।